Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today's topic of discussion is section 383 of PPC, which is related to extortion. But before starting my topic, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So according to section 383, whoever means koi bhi banda, whoever means koi bhi banda intentionally, अब यहाँ उसकी intention किस किस्म की आ जाती है, malafide intention, bad intention, criminal intention, गंदी नियत, बुरी नियत, तो intentionally वो क्या करता है, puts any person in the fear of injury to that person, यहाँ क्या cause कर रहा है वो, fear of injury, injury कहाँ पे discuss हुआ है, section 44 के अंदर, और injury क्या है, any illegal hurt caused to body, माइंड एंड रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, इसको हम इंजरी कहते हैं. इंजरी को अब हमारे पास फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल इंजरी भी हो सकती है. तो वो फेयर ऑफ इंजरी कॉज करके वो अगले बंदे से क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, मींस अगले बंदे को इंस्टिगेट कर रहा है, वरगला रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है किस चीज़ के लिए, टू डिलीवर टू दैट पर्सन एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और मनी, उसको इंड्यूस करके कह रहे हैं ताकि वो मुझे कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी मुझे ट्रांसफ़र कर दे. प्रॉपर्टी हमारे पास मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल. इमूवेबल में कौन सी आती है, लैंड, हाउसेस एक्सेट्रा, और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इंटू प्रॉपर्टी और मनी. ऐसी चीज़ या ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास साइन हुए हुए हों जिनको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकें, जैसा कि चेक को, चेक हम लोग अगर कैश कराएं और बैंक से पैसे वसूल कर लें, या फिर घर के डॉक्यूमेंट्स, घर के कागजात पे उससे दस्तखत करा के, उससे साइन करा के हम अपने नाम करा सकते हैं. सो इन तमाम चीज़ों को हम ये कहते हैं कि ये एक्ट क्या है, एक्सटॉर्शन में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटॉर्शन में अब हमारे पास इंस्टेंट फोर्स यूज़ होती है, उस बंदे को डराया जाता है इंस्टेंटली, इंटेंशनली उसको इंजरी कॉज की जाती है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और फिर इंड्यूस उसको इंस्टिगेट करके उससे प्रॉपर्टी, मनी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करवाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी नोट अबाउट जेड इफ जेड विल नॉट डिलीवर हिम मनी, ही इंड्यूसेस जेड. अब यहाँ क्या हुआ कि ए ने जेड को डराया, उसको थ्रेट किया कि वो उसके ख़िलाफ़ एक डेफामेटरी नोट जो है वो पब्लिश करेगा. डेफामेटरी नोट पब्लिश करने से क्या होगा कि जेड की रेपुटेशन सबके सामने ख़राब हो जाएगी, और उसने उसको थ्रेट किया किस वजह से, जब तक वो जेड को, जेड उसे कोई भी मनी ने जो है वो उसे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जब तक जेड उसे मनी ट्रांसफ़र नहीं करेगा वो उसके ख़िलाफ़ डेफामेटरी नोट पब्लिश कर लेगा. अब यहाँ क्या हुआ, उसने जेड को इंड्यूस किया, तो यहाँ ए इज़ लायबल फॉर एक्सटॉर्शन. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन हमारे पास क्या है, इम्प्रिजनमेंट. हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट क्या होगी, 3 ईयर्स की, या उसको फाइन पे करना होगा, या ये दोनों सजाएं एक साथ.